यमन कंट्री में तो सर इस समय बहुत समय लड़ाई और दुनिया है, तो ये बात हमारे पास आश्चर्य है कि इन कंट्रीज में, यमन जैसी कंट्री में जहां पे आतंकवाद अपने चरम सीमा पे है, जी वो लोग भी इंडिया को अपना पहला मुकाम मानते हैं हेल्थ जी केयर को लेके। ये जी गर्व की बात है और सारे प्रत्येक देशवासियों को गौरवान्वित होना चाहिए जी कि किस प्रकार से इन सारी कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इराक, कुवैत, बहरीन, यमन, सीरिया, अफ्रीका, ये सब हिंदुस्तान को अपना मेडिकल हब मानते हैं। ये पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कुछ 25 से 30 हजार डॉलर में हो गया, जो कि अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, जर्मनी जैसे जगहों पे 1 लाख से 2 लाख डॉलर में होता। तो कैसे हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी पद्धति, मेडिकल साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है कि हम सिर्फ अपने देश के लोगों को नहीं और विश्व के बहुत सारे कंट्रीज को कैटर कर रहे हैं। व्हाट इज द इंडियन मेडिकल, हाउ यू केम टू इंडिया एंड यू हैव बिलीव इन इंडियन मेडिकल साइंस? Actually, we came for India for there is so many patients they come from international, like from Middle East, Arab country. They came for India because they trust India, they trust medical in India, and they came for taking treatment for all specialists in India.